अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये गोला कबाब आपके साथ एक क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, स्टर फ्राई टाइप की। तो गोला कबाब आपकी अलग से मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बस ये उसमें जल्दी दी मुझे खाना बनाना था, तो मैंने बस ये एक डिफरेंट सी चीज़ बन जाती। मैंने ऑयल ले लिया था, इसमें लहसुन अदरक चॉप करके डाल दिया मैंने। बस सारी चीज़ें मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी। मैंने उसमें जल्दी दी बस चॉप करनी है सारी चीज़ें। ये बेल पेपर है, टमाटर और प्याज और पुदीना है, चाहे तो हरा धनिया भी डाल दें, बस जो चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास मैंने वो सब इसमें डाल दी थी। बेल पेपर किसी भी कलर के लिए, टमाटर और प्याज, बस इनको तेज आँच पर स्टर फ्राई कर लेंगे। और ये कबाब मेरे पास फ्रिज में रखी, इसको मैंने गर्म कर लिया था आपके साथ आपको देने। और अब इसमें मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और एक टोमेटो पेस्ट। इससे हल्का सा इसमें ग्रेवी बन जाएगी, सारी अच्छी तरह से इसमें मसाला लग जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और इसको बस तेज़ आँच पे करके मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, कबाब बिल्कुल तैयार है। ये मैंने बेक करके इसको फ्रीज कर लिया था, तो इस तरह से ये बहुत ईजी रहते हैं। कभी कोई जल्दी खाना बनाना हो तो बस दो चीज़ें अवेलेबल है, कोशिश करें उसके साथ ही बना लें। तो ये गोला कबाब के साथ ये स्टर फ्राई मैंने जल्दी से बना लिया था। और इसको सादे के चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेमन राइस के साथ, दाल चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं। मैंने इसके साथ सादे बगरे हुए चावल बना लिए थे, चाहें तो इसके साथ फ्राइज़ भी बना लें, लेकिन मेरे पास उस दिन टाइम नहीं था, बस मैंने जल्दी से ये एक चीज़ बना ली थी। और इसमें कोई ख़ास इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो नहीं डले हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। गोला कबाब की एक डिटेल रेसिपी पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ से देख लें। ये तैयार है, इस तरह से मैंने ये बगरे हुए चावल बना ली थी, उसके साथ मैंने सर्व किया था। इसके साथ कोई भी सॉस सर्व कर लें, सलाद भी बना लें इसके साथ, तो ये बहुत अच्छा एक कंप्लीट मील बन जाता है। और सिर्फ गोला कबाब अगर होते तो इतना उसके साथ इतने शायद अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस तरह से ये बना लें तो एक नई डिश बन जाती है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएंगी। और इसके में जो मसाले मैंने डाले थे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी इसका अच्छा फ्लेवर आता है, और चाहें तो इसके रैप्स भी बना सकते हैं, तो जिस तरह से भी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।